किसी भी समाज के उत्थान के लिए उस समाज का शिक्षित होना आवश्यक होता है। शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने विचारों को उड़ान दे सकते हैं। भारत देश की नींव उसके गांव की व्यवस्था है, और जब तक आप इस गांव व्यवस्था में शिक्षा के स्तर को सशक्त नहीं कर सकते, तब तक गाँव वासियों को मुख्य धारा में लाना असंभव है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश गाँव में सरकारी शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई है। कहीं स्कूलों में शिक्षकों का अभाव है, तो कहीं स्कूलों में बैठने की व्यवस्था और बाउंड्री भी नहीं है। वहीं कहीं देखने को मिलता है कि गाँव वासियों में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव है। वहीं हम कह सकते हैं कि आज भी गाँव में शिक्षा का स्तर सुधरा नहीं है। इसी के तहत ABPS न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक संभल में स्थित गाँव मिठोली पड़ा। लगभग 5000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 23 किलोमीटर दूर, तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी 8 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान रामकिशोर शर्मा हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। वहीं बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए, तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी पाठशाला में लगभग 580 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें, तो वर्तमान प्रधान ने गांव में 8 सीसीटाइज रोड, 2 आवास, प्राइमरी विद्यालय में बाउंड्री तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत 82 शौचालयों का निर्माण कराया है। वहीं पेयजल आपूर्ति के लिए गांव में 27 हैंडपंप लगवाए गए हैं तथा 15 और हैंडपंप लगवाने की सरकार से मांग है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए गाँव में 200 विद्युत पोल, 12 विद्युत ट्रांसफार्मर तथा 32 सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। वहीं ABPS न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर, कब्रिस्तान की बाउंड्री, पानी की टंकी तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 52 आवास के निर्माण की मांग राज्य में केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान रामचंद्र शर्मा, विकासखंड संभल। मैंने अपनी ग्राम पंचायत में 82 शौचालय, 8 रास्तों पर सीसी टाइल्स निर्माण कराया और 32 सूर्य लाइट लगवाई। और 3 स्कूलों की बाउंड्री वॉल कराई प्राइमरी स्कूलों की। और अब भी मेरे यहाँ बहुत ग्राम पंचायत विकास कार्य के लिए बहुत पैसे की जरूरत है, जिससे रास्ते सब गंदे पड़े हुए हैं। इसलिए राज्य सरकार से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देने की कृपा करें। और 52 आवासों की व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें मकान रहने के लिए नहीं है, बेचारों के लिए टूटे मकान पड़े हुए हैं, उनके लिए आवासों की जरूरत है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा गांव में बहुत से विकास कार्य कराए गए हैं, लेकिन राज्य सरकार से मिलने वाली धनराशि की किस्त समय पर न मिलने के कारण गाँव विकास कार्य धीमी गति से चल रहा है। मेरा नाम सोनू है, गाँव मिठोली का रहने वाला हूँ। ये सड़क प्रभारी प्रधान जी ने पढ़वाई, बढ़िया काम करवा रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं है।